और ये अंदर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है, इसको उठा के लाना पड़ेगा। लोग आ रहे हैं, सबको सबुन का टीका लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत दिखता है उत्तरकाशी, होता है ना, तो एक को ठीक होगा दूसरे को शुरू हो जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता शैमाल, देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, काशी विश्वनाथ की पवित्र नगरी, माँ गंगा के तट पे बसा हुआ सुंदर सा शहर उत्तरकाशी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षित ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 12 बजे से, और अगर मौसम की बात की जाए तो काफी गर्मी होने लगी, मौसम भी एकदम साफ हो रखा है। तो अब गर्मी आ गई तो बुजुर्गों को भी हमें हफ्ते में एक दिन नहलाना पड़ता है, तो आज इसका नहाने का नंबर है। तो कैसे बैठा हुआ, बिल्कुल अंदर ही नहीं जा रहा है। तो आज बुजुर्ग को मैं नहीं नहलाऊंगी, आज मेरे हस्बैंड नहलाएंगे। और ये अंदर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है, इसको उठा के नहाना पड़ेगा, तो मेरे बस का तो है नहीं। बुजुर्ग आ जाओ, चलो चलो नहाई नहाई करने चलो। मेरे हस्बैंड से तो डरता भी है ना, मेरे से डरता नहीं है, तो हस्बैंड की उससे तो आ भी है अंदर। अगर मेरा नंबर होता तो ये तो बिल्कुल एकदम पैर टाइट कर लेता और बिल्कुल जमीन पे ऐसे बैठ जाता है कि उठाना भी मुश्किल हो जाता है। तो नहाने के लिए इसके लिए एकदम लाइट गुनगुना पानी करते हैं, एकदम ठंडा से नहीं नहलाते हैं, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना। अरे जितना बुजो नहाया ना उतने मेरे हस्बैंड भी नहा गए, एकदम जितना बुजो भीगा उतने हस्बैंड भी भीग गए। बुजुर्ग को नहलाने के बाद, लंच करने के बाद आज हमारे पड़ोस में है कीर्तन, तो अभी जा रही हूँ कीर्तन में, तो चलती हूँ घर से। उस जगह पे जहाँ पे कीर्तन चल रहे हैं बिल्कुल हमारे घर के सामने है, तो शादी की बेटे की देहरादून में है, तो आज यहाँ पे कीर्तन फंक्शन है। माँ भगवती की मूर्ति, दुल्हे की चाची जी, छोटी चाची जी, ये भी चाची जी हैं। तो कीर्तन में जितने भी लोग आ रहे हैं सबको सबुन का टीका लग रहा है, और ये सबुन का लिफाफा भी। Oh, God.
कीर्तन के बाद वहाँ पे खाना वगैरह खाया, अभी मैं पहुँच गई घर पे, तो मेरे हाथ में है भोग। तो बूजो ने जब से ये भोग देखा हुआ ना, तो कैसे बैठा हुआ है वो खाना है? तो पहले हैंड देना। तो ये है वहाँ पे भोग जो कीर्तन में मिला। तो सभी लोगों को मैं, जितने भी हैं घर में, बेटा है, हस्बैंड है, शीला है, तो सबको बांटूंगी। और श्याम का जो 6:30 बजे का टाइम है ना, तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है उत्तरकाशी हमारे छत के ऊपर से। के बाद थोड़ी देर तक छत के ऊपर रही, तो अभी क्योंकि जो सर्दी जुकाम मुझे हो रहा था, तो मेरी तो अब तबीयत थोड़ा ठीक है, लेकिन आज से हस्बैंड को शुरू हो रखा है थोड़ा वायरल। तो अभी बना रही हूँ गर्मा गर्म सूप, थोड़ा थोड़ा सभी पियेंगे। तो अभी गर्मा गर्म सूप तैयार हो रहा, तो जो वायरल मुझे हो रहा था आज थोड़ा ठीक है। और ये ऐसे ही होता है, जैसे फैमिली में होता है ना, तो एक को ठीक होगा दूसरे को शुरू हो जाएगा। तो आज मेरे हस्बैंड के गले में खिचखिच, सर दर्द, बदन दर्द, ऐसे कुछ हो रहा है ना। IPL में बिल्कुल नजर इधर उधर नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा घूम लो छत के ऊपर, नहीं ऐसे बैठे हुए नहीं, 1 करोड़ इनके खाते में आने ही वाली है। अब लगी हुई आजकल टीम लगाने पे, कब जीत रहे 1 करोड़। प्रयास करना चाहिए, जितना जितना तो भाग्य की बात है, भाग्य भी होना चाहिए साथ में। बाकी क्या है, आए ना आए, लेकिन मैच का तो आनंद ले रहे हैं। ये देखो बिल्कुल लगा हुआ मैच। अब गर्मा गर्म सूप पी रहे हैं। अब मैं तो आ रखी हूँ छोले भटूरा खा के। मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही हूँ, बच्चे को पूछ रही हूँ क्या खाओगे, देखते हैं इनके लिए क्या क्या बनाते हैं। तो अभी सब गर्मा गर्म सूप पी रहे हैं, तो उसके बाद डिनर की तैयारी करूंगी। सबको पूछती हूँ डिनर में क्या बनाऊं, तो फिर डिनर बनाती हूँ। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।